नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज का टॉपिक है कब मेरा ट्विन फ्लेम अवेकन होगा। इट्स अ वेरी गुड टॉपिक। बहुत कॉमनली लोगों को ये मिसकंसेप्शन होता है कि पहले डिवाइन फेमिनिन अवेकन होती है, फिर डिवाइन मैस्कुलिन अवेकन होता है, या मैस्कुलिन पहले अवेकन होता है फिर फेमिनिन अवेकन होती है, या जो भी जिसको ट्विन फ्लेम के बारे में पहले पता लग गया वो पहले अवेकन हो गई है या हो गया है। नॉट ट्रू, नॉट ट्रू स्टोरी। अवेकनिंग का मतलब ये है कि आपको आपके अनुभव में ये आ जाना कि आप और आपके ट्विन फ्लेम एक हैं। दैट इज एक्चुअली योर जर्नी टू योर हार्मोनियस यूनियन, योर गेटवे टू योर हार्मोनियस यूनियन। बट उससे पहले आपको जो सिम्टम्स होते हैं, या आपको कोई ना कोई कारण आपको इस जर्नी के लिए जगाया जा रहा है, कहीं ना कहीं या तो आपकी लाइफ सिचुएशन होती है, कोई बहुत ही गंभीर दुर्घटना से आप निकलते हैं तब आप भगवान की तरफ जाते हैं, या आपको आपके ट्विन फ्लेम मिल ही जाते हैं कोई ना कोई कारणवश, आपने भगवान को बुलाया होता है तो आप उनको मिल लेते हैं। अगर आप फिजिकली आप अपने ट्विन फ्लेम की वाइब्रेशन में रहेंगे तो आपका, क्योंकि आपका मन जो है अलाइंड नहीं है डिवाइन से, क्योंकि ये डिवाइन लव है। अगर आपका मन स्लैश ट्रूथ रियलिटी, आपका जो सच है, आपका जो जीवन है, अगर डिवाइन से अलाइन नहीं है, तब आपको जो भी अपसेट्स हैं उससे, उसके प्रति, लाइक इन द सेंस कि वॉट एवर इज नॉट इन अलाइनमेंट, वो सारे अपसेट आपको उभर के आएंगे। एंड इट कैन रिजल्ट इन एन अपसेट विद द बॉडी। सो कई बारी आपको हार्ट में पेन रहेगा, या कहीं ना कहीं आपको नींद नहीं आएगी, या कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो आपको लगेगा कि ये अवेकनिंग के सिम्टम्स हैं। यस ट्रू, बट डज नॉट मीन दैट यू हैव अवेकन्ड। सो अवेकनिंग का मतलब ये होता है कि आपके अनुभव में, आपकी सोच में, आपके विजन में ये आ जाना, आपके जहन में ये आ जाना, आपके तन मन शरीर से आपको पता लग जाना कि आप ट्विन फ्लेम हैं। What does that mean? आपकी जो आत्मा है, एक अकेली आत्मा नहीं, कई अकेली फेमिनिन नहीं, आप पेयर में बनाए हुए हैं। भगवान ने हमें पेयर्स में बनाया है। ये इस चीज का सच्चा अनुभव हो जाना, उसको अवेकनिंग कहते हैं। तो ये अनुभव तो आपको हार्मोनियस यूनियन के तट पे या हार्मोनियस यूनियन के पहुंचने पर ही ज्यादा होता है, पर उससे पहले आपको अनुभव अगर हो ना हो, ये सच्चा ज्ञान आपको सच, जब तक आप अपने अंदर, अपने भीतर नहीं लेके जाते, तब तक आपको पीस नहीं देगा। तब तक आप हमेशा ये आपके मन में रहेगा कि ये मेरा ट्विन फ्लेम क्या कर रहा है, अभी तक अवेकन नहीं हुआ, मुझे पता लग गया इस जर्नी का, मैं मेडिटेशन कर रही हूँ, मैं हर चीज कर रही हूँ, मैं हर कोशिश कर रही हूँ, ये कुछ नहीं कर रहा। ये आपको 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 डिफरेंसेस लगेंगे कि वो कुछ कर रहे हैं, आप कुछ कर रहे हैं, आप अलग हैं, वो अलग हैं। आप एक ही मन है, आप ये समझ जाएं, यू आर वन, वन माइंड, वन सोल। वन माइंड वन सोल मतलब जो आपकी रियलिटी में घटता है वो पहले माइंड और सोल से आता है। हमने क्योंकि अपने माइंड को इतना दबा कर रखा हुआ है और फियर से भर रखा है, फियर से उभरती हैं चीजें जैसे ईगो कंट्रोल एंड पोजेसिवनेस एंड आपको लगता है लैक, ये सब जो चीजें हैं फियर से निकलती हैं। तो हम फियर के साथ हमने इतनी शादी कर ली है तो हमें हर चीज धुंधली लगती है, सच नहीं लगती, साफ नहीं लगती। उसके लिए हमें इनर वर्क करना है। इनर वर्क यानी मिरर एक्सरसाइज करनी है। एंड आई कीप सेइंग मिरर एक्सरसाइज क्योंकि वो आपको आपकी कॉजल बॉडी तक लेकर जाता है।
आप समझिए, आप पहले आत्मा की खोज करिए, आप समझिए कि आप हैं क्या, आप क्या, आपका शरीर किस चीज से बना है। आपका शरीर बना है, पहले आपकी सोच आती है, दैट इज योर कॉजल बॉडी, देन योर एस्ट्रल बॉडी विच इज योर इमोशंस, फिर आती है फिजिकल बॉडी जिसमें आपके चक्रास होते हैं, और चक्रास है कम्युनिकेशन चैनल। आप चक्रास मेडिटेशन करेंगे, आपका थोड़ा समय तो ठीक निकल जाएगा, आपका हो सकता है फिजिकल, आपकी एलिमेंट प्रॉब्लम्स आपकी उससे ठीक हो जाएंगी, बट आपकी अगर सोच नहीं ठीक है, सोच बैलेंस नहीं है, सोच में अगर सच्चाई नहीं है, तब दोबारा से वो सब आएंगे, और आप सालों साल प्रतिदिन आप लगे रहेंगे, आप कभी भी अपने मुकाम तक नहीं पहुंच पाएंगे। इट गेट्स वेरी डिफिकल्ट। मिरर एक्सरसाइज इज द इजिएस्ट एंड द फास्टेस्ट रूट टू योर असेंशन। ये क्यों फास्टेस्ट है? क्योंकि आपकी जो सोच तक लेके जाता है आपको, आपकी फिजिकल एस्ट्रल बॉडी से लेके आप, क्योंकि आप इमोशन से डील कर रहे हैं, आप कैसा महसूस कर रहे हैं उस जगह, आप पीस को लेकर आ रहे हैं, वहां लव को लेकर आ रहे हैं, लव को लेकर आएंगे वहां, तो आपका जो चैनल्स हैं, डिवाइन चैनल्स, वो खुलेंगे। तो इसलिए आप देखिए, मेरी इनर वर्क की सीरीज देखना बहुत जरूरी है। आप अपने खुद सच तक पहुंच सकते हैं, आपको किसी की जरूरत नहीं है इतनी ज्यादा जर्नी में। यस, आई ऑल्सो स्टिल हैव अ कोच, आई ऑल्सो टेक कोचिंग, बट वो मेरी मोटिवेशन के लिए नहीं है, वो मुझे दिशा दिखाने के लिए, राह दिखाने के लिए, क्योंकि आपको दिशा और राह दिखानी जरूरी है। बट ये ब्लाइंड फॉलोइंग नहीं है, ब्लाइंड फॉलोइंग हो भी नहीं सकती, जब तक आपको दिखेगा नहीं आप उस चीज को पार नहीं कर सकते। ये भगवान की रची हुई रचना है, जो ये एग्जामिनेशंस आपकी जिंदगी में आ रहे हैं, आपको ही पास करना है, तो आपको ही सीखना है कैसे इनको आपने पास करना है, ठीक है? उसको सीखने के लिए आपको अपने आप को समझना पड़ेगा पहले, कि मैं क्या कर रही हूं, मेरा ध्यान कहाँ है, मेरे अंदर क्या सच है। ये सब समझने के लिए आपको मिरर एक्सरसाइज करनी जरूरत है। मिरर एक्सरसाइज आपको अंदर लेके जाती है, आपके इमोशंस तक लेके जाती है, कि मुझे कैसा लग रहा है। कोई अगर लड़ाई हुई है, आपको गुस्सा आ रहा है, गुस्सा इज नॉट इमोशन, गुस्से के नीचे कोई ना कोई दर्द होती है, कोई ना कोई तकलीफ होती है, वो तकलीफ आपको जब आप अपने आप से बातें करेंगे, आपको वहां पर सेल्फ लव लाएंगे, तब जाके आपको पता चलेगी आप कौन हैं, आपको भगवान ने कैसे बनाया। भगवान ने हर इंसान को मूर्ति की तरह घड़ा है, बहुत ही बहुत खूबसूरत हैं आप, बेहद खूबसूरत हैं आप। अपनी खूबसूरती को देख के ही आपकी भक्ति हो जाएगी, यही आपकी भक्ति है, क्योंकि आप भगवान की सबसे प्यारी चीज जो आप हैं उसकी आप पूजा कर रहे हैं, ठीक है ना? तो आप हमेशा जब डिवाइन सेंटर्ड लाइफ जिएंगे, ठीक है, और भगवान को सेंटर में रखेंगे, ठीक है, और आप ये डिवाइन ट्रूथ को सेंटर में रखेंगे कि आप और आपके ट्विन फ्लेम एक ही हैं, एक आत्मा है, दो जिस्म, एक आत्मा एक मन, एंड यू बोथ आर एस्पेक्ट्स ऑफ द सेम माइंड, एक फीमेल एक मेल, शिव और शक्ति, जैसे भगवान ने ये पूरी सृष्टि ऐसी रची है, यही कुदरत का नजारा है, यही ब्यूटी है। ये जब आप अप्रिशिएट करने लग जाएंगे और अपने अंदर इनर वर्क करेंगे, जो भी आपका ट्विन फ्लेम आपको रिफ्लेक्ट कर रहा है, गुस्सा या कुछ भी नेगेटिव भी रिफ्लेक्ट कर रहा है, वो आपकी कॉन्शियसनेस में, आपके ही मन में है, वो अकेला नहीं है, आपके ही मन में है, और आपको ही इनर वर्क करके उसको क्लीन करना है, अपनी कॉन्शियसनेस को क्लीन करना है। फिर वो जरूरी नहीं है अकेला आपको नेगेटिव रिफ्लेक्ट कर रहा है, आपको प्यार भी वो ही रिफ्लेक्ट करेंगे, और वो जो प्यार रिफ्लेक्ट करेंगे वो आप ही का प्यार है, वो आपका, आपके भगवान के प्रति प्यार है, आपकी आत्मा के प्रति प्यार है, वो प्यार और कहीं नहीं मिल सकता, इसीलिए आपको उनको उनसे ही प्यार होता है, ठीक है? तो ये समझें कि अवेकनिंग के लिए आपको उनकी अवेकनिंग के लिए कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, आपको अपना इनर वर्क करना है और यहां मुकाम तक पहुंचना है कि आप और वो एक हो। यू नॉट बिकॉज आई एम सेइंग सो, नो, यू हैव टू एक्सपीरियंस दैट एंड यू कैन। एंड आपको अगर मिरर एक्सरसाइज करने में मदद चाहिए,
क्योंकि अकेले सिर्फ लिखने से भी नहीं होती, आप डीप जा सकते हैं, इमोशंस के थ्रू जा सकते हैं। आप कनेक्ट हुए मुझसे, आप इंट्रोडक्टरी सेशन लें, और हम वीकली ग्रुप सेशंस होते हैं, बहुत मज़ा आता है। होता है, मैंने 90 मिनट्स का डाला हुआ है, पर 2 घंटे से कभी भी कम नहीं हुए हैं उसमें। और भी लोगों को मिलेंगे जो इसी जर्नी पे हैं, और आप देखेंगे कि आपकी प्रोग्रेस और भी अच्छी होगी, और जल्दी से जल्दी आप खुद सीखेंगे। द आइडिया इज़ टू बिकम इंडिपेंडेंट, ये नहीं कि आप सब मेरे पे डिपेंडेंट हो जाए, नहीं, मैं तो ये चाहती नहीं। इनफैक्ट फॉल्स और रियल टीचर का यही डिफरेंस है। फॉल्स टीचर हमेशा आपको अपने ऊपर डिपेंडेंट करेंगे, रियल टीचर आपको बोलेंगे कि आपको खुद काम करना है और आपकी प्रोग्रेस आपके हाथ में है और ऐसे करना है, और आपको डिसिप्लिन करेंगे, आपको बताएंगे कि ये नहीं, ये नहीं, ये आपको लाइट देंगे, आपके हाथ में देंगे। तो ओके माय फ्रेंड्स, स्टे इन टच, ऑल द बेस्ट, और मेरी इनर वर्क की सीरीज जरूर देखें, एंड कीप लविंग योरसेल्फ, इट्स टोटली वर्थ इट। थैंक यू, बाय।